छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा के रेंगाली थाना क्षेत्र के शारदा महानदी घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल महानदी घाट पर 70 लोगों से सवार एक नाव के पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रेस्क्यू टीम एक व्यक्ति की तलाश कर रही है। घटनास्थल पर शनिवार सुबह से ही रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि यह हादसा शुक्रवार को हुआ था, जिसमें पहले एक महिला का शव बरामद कर लिया गया था। महिला का नाम राधिका निषाद है। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 70 लोग सवार थे। रायगढ़ के कोतरलिया गांव के रहने वाले गंगाराम लोहर के घर खरसिया से ही करीब 50 लोग गए थे, जहां से सभी लोग पिकअप मार्शल और कार से शारदा पथरसेनी मंदिर में पूजा करने के लिए निकले थे। ओडिशा के पंच गांव के आगे नदी पार करते समय अचानक नाव पलट गई। कई लोग तैरकर बाहर आ गए, लेकिन कई लोगों की मौत हो गई। बता दें कि घटनास्थल पर शनिवार सुबह से ही रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अब तक कलेक्टर और SP का बयान सामने आया है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अबोली सुनील ने कहा कि हमारा बचाव अभियान कल शाम शुरू हुआ था। लापता लोगों में से 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। आगे की प्रक्रिया और औपचारिकताएं चल रही हैं। वहीं SSP झारसुगड़ा स्मृत परमार ने कहा कि ODRF टीम और स्कूबा गोताखोरों को तुरंत जुटाया गया। कल से बचाव अभियान चल रहा है और आज तक 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। डॉक्टरों को भी साइट पर बुलाया गया है। एक और शव को निकालने का प्रयास जारी है। 2 नाविकों को हिरासत में लिया गया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कल शाम हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और जो भी मिसिंग लोग थे उसमें से 7 लोग मिले हैं कल और आज मिला के। ODRF टीम जो हमारा ओडिशा डिजास्टर रिस्पांस टीम और भुवनेश्वर से कुछ स्पेशल ट्रेन्ड जो डाइवर्स आए थे, सब ने आज सुबह से ऑपरेशन किया है। 7 हमें मिसिंग पर्सन डेड बॉडीज मिली है, वो फर्दर प्रोसीजर के लिए भेजी गई है। रायगढ़ जिले के कलेक्टर से हम टच में हैं, वो कल यहाँ आए भी थे, उनकी टीम यहाँ पर है, तो सारे लोग उनके परिवार वाले भी हैं, तो फर्दर प्रोसीजर के लिए उनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो अभी चल रहा है और वो होते ही हम उनको रवाना कर देंगे। जानते हैं कल ये जो घटना हुआ उसके बाद हमारे तुरंत हमारे साइड से ODRF की हमारी टीम स्कूबा डाइवर्स सबको मोबिलाइज करा गया था। कल शाम से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आज सुबह से सब मिलके अब तक टोटल 7 डेड बॉडी का रिकवरी करी गई है। उनको इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए ऑलरेडी शिफ्ट करी गई है। डॉक्टर्स को भी हमने यहाँ पे ही बुला लिया है ताकि चीज़ें वो जो है चीज़ें एक्सपर्डाइट हो और तुरंत फैमिली मेम्बर्स को चीज़ें दी हैंड ओवर करी जाए। अभी भी हमारा स्टेटमेंट्स के हिसाब से 1 डेड बॉडी अभी भी और रेस्क्यू करना बचा है, उसके लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, सभी टीम्स लगी हुई है। हम आशा रखेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी बॉडी रिकवर हो जाए। हाँ, तो जो इनके नाव के चालक थे उनको अभी डिटेन करके रखे हुए हम लोग ने और उसके ऊपर लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाए। सबका जो प्रिलिमिनरी जो चीज़ें आ रही है कि मे बी ओवरलोड की वजह से वही होगी। एग्जैक्ट रीजंस और क्या है वो जो जैसे कि हमारे जो MB इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं कि वो नाव का जो उनका स्ट्रेंथ वगैरह क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन में हर पहलू को कवर किया जाए।